बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। बागपत में बच्चा गिरवी रखने का यह पूरा मामला है। सीएमओ बागपत को केस की जानकारी ही नहीं है, दो दो कमरों के अस्पताल को लाइसेंस दे दिया जाता है। एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है स्वास्थ्य विभाग की। सीएमओ डॉक्टर आरके टंडन ने लाइसेंस दिए हैं, सवाल यही खड़ा होता है आखिर लाइसेंस कैसे दे दिए गए। अधिकतर अस्पतालों के मानक पूरे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अस्पतालों को लाइसेंस दे दिए जाते हैं। तो बागपत में इंसानियत तड़प तड़प कर मर चुकी है। उषा नर्सिंग होम के डॉक्टरों की करतूत, एक काली करतूत सामने आई। बिल ना चुका पाने पर बच्चे को गिरवी रख लिया गया। 40,000 के लिए मां से बच्चा छीन लिया गया। 40,000 रुपए एक साल से यह महिला चुका रही है। किश्त पूरी होने पर भी बच्चा नहीं दिया गया। मां ने मजदूरी की पैसे से भरे, लेकिन उसके बावजूद बच्चा नहीं मिला। सीएमओ ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और सीएमओ को इस बात की जानकारी तक नहीं है। भारत समाचार के सवालों से सीएमओ भागते हुए नजर आए। बच्चा बिक गया, सीएमओ साहब सोते रहे। उनके नाक के नीचे सब होता रहा, लेकिन सीएमओ साहब सोते रहे। 500 अस्पताल बिना मानकों के चल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी नहीं है। निर्दयीय डॉक्टरों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। दो दो कमरों के अस्पतालों के नाम पर दुकानें चलाई जा रही हैं, हॉस्पिटल के नाम पर दुकानें चलाई जा रही हैं। बागपत में इंसानियत तड़प तड़प कर मारी गई। तो उषा नर्सिंग होम के डॉक्टरों की एक काली करतूत, सफेद कोट के शैतानों की एक काली करतूत सामने आई, जहां पर बिल ना चुका पाने पर बच्चे को गिरवी रख लिया गया। महज 40,000 के लिए मां से बच्चा छीन लिया गया, और 40,000 एक साल में मां चुकाती रही, लेकिन उसके बावजूद उसे बच्चा सौंपा नहीं गया। किश्त पूरी होने पर भी बच्चा सौंपा नहीं गया। लड़का गया था ऑपरेशन से उषा नर्सिंग होम में, तो वहाँ का बिल हमारे पे फूका नहीं, ज्यादा खर्चा बढ़ा देना 40,000 का हमारा। 40,000 में हमने कुछ थोड़े थोड़े कर का पैसे भी दिए उन्हें, 30,000 तो हमने वहाँ दे दिए। तो अभी हम 10,000 रुपये लेकर गए उनके, तो उन्होंने मार पिटाई करी हमारे साथ, और उन्होंने कहने लगी जा चली जा यहाँ से निकल कर, हमने तो तेरा बच्चा बेच दिया और जो तो देखा ना। 2018 का मैटर है, कोई यहाँ पे एक उषा नर्सिंग होम है, वहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ था उसको जो दंपति है, जो बच्चे के माता पिता, उनके द्वारा ही किसी को मुजफ्फरनगर में दे दिया गया। अब ये बात आ रही है संज्ञान में कि उन्होंने शायद बच्चे को बेच दिया, अगर ऐसा है तो गैर कानूनी काम है, अवैधानिक है। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। मनीष, जिस तरीके से ये संसार करने वाला जो पुलिस के जो व्हाइट कोट है, इनका मामला सामने निकल कर आया है। हाँ। साफ तौर पर अधिकारी अभी चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि भारत समाचार इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों की संज्ञान में जो भारत समाचार ने खबर चलाई तभी आया, यानी कहीं ना कहीं अपने जो ये लापरवाही है साफ तौर पर लीपापोती में लगे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग। साफ तौर पर जो यहाँ के सीएमओ है भारत समाचार के सवालों से भागते नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर उनकी कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही है, और कहीं ना कहीं अभी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मनीष जी, देवेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, क्या पीड़ित वहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, क्या पीड़ितों की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है इस पूरे मामले में अभी तक? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है, सारा मामला जो संज्ञान में है वो थाने पर पीड़ित पहुंचे हैं, कल से थाने पर पहुंचे हुए थे और आज भी पहुंचे हुए हैं। अभी जो मामला जब संज्ञान में है तो अधिकारियों ने तुरंत मुकदमा लिखकर कार्रवाई की बात करें, लेकिन साफ तौर पर बताया कि मुकदमा अगर उन डॉक्टर या नर्सिंग होम पर होगा तो सीएमओ की आदेश पर होगा। कहीं ना कहीं पहले जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है उनके आदेश पर होगा, तो अभी वो जांच की बात कह रहे हैं सीएमओ। यानी साफ तौर पर ऐसे जो नर्सिंग होम चल रहे हैं तो दुकान खोले बैठे हैं, कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, उनको उनका साथ देते बागपत सीएमओ नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन है साफ
तौर पर जिस समय उन्होंने उषा नर्सिंग होम में जाकर डॉक्टर से बात करने का इस मामले को प्रयास किया तो कहीं ना कहीं वो अपना भी पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये बच्चा उनके परिजन है, उन्होंने ही देखा है। साफ तौर पर परिजनों ने बताया था जिस समय ये घटना हुई थी उन्हें एक ब्लैंक पेपर का अंगूठे उन्होंने ले लिए थे और धमकी दी थी कि अगर किस बात को किसी को बताया तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें कभी भी नहीं लौटाया जाएगा। तो वो डर के छाए में रहकर, यानी हालांकि लापरवाही थोड़ी माँ बाप की भी कही जा सकती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र।